हेलो फ्रेंड्स, आज का टॉपिक है कि जब भी कोई सिटी हो या फिर कोई चीज़ हो, माउंटेन्स एंड एवरीथिंग, अपन उसको सी मीन लेवल से ही क्यों उसकी हाइट लेते हैं। मीन्स वाई वी टेक और कंसिडर सी मीन लेवल एज अ स्टैंडर्ड तो जैसे कि एक सिटी ले लेते हैं हैदराबाद, विच इज अप्रॉक्सीमेटली 1500 मीटर्स अबव दिस सी मीन लेवल। ओके, तो एक्चुअली पहले ये जान लेते कि सी मीन लेवल क्या होता है या फिर सी लेवल क्या होता है। तो जैसे कि एज यू नो, ये अपना सी बेड हो गया, इसके ऊपर में सी है, ओके, एंड हियर समवेयर्स और लैंड स्टार्टेड, ये लैंड है, जमीन। ओके, तो ये सी बहुत बड़ा है और सी इज कनेक्टेड विथ ओशंस। ओके, सो क्या होता है, मेरा कहना है कि इसको अपन स्टैंडर्ड क्यों मानते हैं, क्योंकि सी लेवल हमेशा मीन्स निग्लिजिबल चेंजेस आता है उसमें। अगर आज ये यहाँ पे है तो ये हल्का सा ये ऊपर हो सकता है या हल्का सा नीचे हो सकता है, कोई ऐसा नहीं होगा कि एकदम से सी लेवल यहाँ पे आ जाए या फिर एकदम से ऊपर बढ़ जाए। नो, अगर आपका कोई सपोज डैम्स है, उसका लेवल कम ज़्यादा हो सकता है, वहाँ एब्रप्टली चेंजेस दिखते हैं, लेकिन सी लेवल और ओशनिक लेवल, उसका लेवल निग्लिजिबल चेंजेस होता है। उसका रीज़न क्यों, लेट टेक एग्जांपल, जैसे कि ये सी बेड है, ओके, अगर यहाँ कोई एक ऐसा गड्ढा है और ये ऊपर में पानी है, तो वाटर कभी भी ऐसा शो नहीं होगा कि यहाँ गड्ढा है तो यहाँ पानी ऐसा बह रहा है नीचे से और ऐसा जा रहा है। नो, पानी हमेशा ऊपर के स्तर में लेवल ही दिखेगा, चाहे नीचे में कितना भी बड़ा गड्ढा हो जाए। भले ही आपको एवरेज चेंजेस देखने मिलेंगे, लेकिन कभी भी ऐसा देखने नहीं मिलेगा कि वाटर गड्ढा है तो नीचे जा रहा है, फिर गड्ढा ऊपर आ गया तो ऊपर आ गया, नहीं, इट इज़ जस्ट माइनर चेंजेस। इसलिए सी मेन लेवल हो या ओशियन लेवल हो, दे आर ऑलवेज सेम एवरीवेयर, एंड ओशियन इज कनेक्टेड टू सी। तो वाटर का कभी भी शॉर्टेज, मतलब पानी नहीं होने की वजह से पानी एकदम नीचे आ गया, ऐसा कभी नहीं होता। ओशन से पानी सी में आता है या फिर सी का पानी ओशंस में जाता है, तो दोनों ही इस लेवल, इसके कारण लेवल हमेशा मेंटेन रहता है, ऐसा कभी भी शॉर्टेज पानी का नहीं आता। सो होप यू गाइस यू गॉट इट व्हाई वी टेक सी लेवल एज अ स्टैंडर्ड टू कैलकुलेट एनी हाइट। मीन्स सी मेन लेवल अपन कभी भी जमीन से हाइट नहीं लेते, दैट इज एल्टीट्यूड, दैट इज नॉट अ हाइट लेवल ऑफ एनीथिंग। सो आई थिंक यू गॉट इट, थैंक यू।